Hello everyone, good morning. So today here we are going to study chemical properties of alkane. Alkane की कुछ chemical properties के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? Physical properties of alkane, okay? उसकी हमने study की थी, तो I hope वो आपको समझ में आई होगी. एक बार आप revise कर लो उसको, तो आपको वो समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन. अल्केन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वो हैलोजनेशन प्रॉपर्टी शो करता है. हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है? हैलो और जनेशन, ठीक है? हैलो का मतलब क्या होता है? हैलो ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पर? क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हैलो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? हैलो ग्रुप्स, ठीक है? ग्रुप नंबर 17 इसको कहते हैं हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है? तो इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जेनेशन हो जाना, उसका ऐड हो जाना किसके साथ? अल्केन के साथ. ये जब ऐड हो जाते हैं तब क्या फॉर्म होता है? अल्किल हैलाइड फॉर्म होता है. तो किस तरह से फॉर्म होता है देख लेते हैं. तो इसमें क्या होता है, देखो, अल्केन्स रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन होती है उसकी? व्हेन अल्केन्स रिएक्ट्स विथ हैलाइड ग्रुप्स, ठीक है? कोई भी हैलाइड ग्रुप्स आपने यहाँ पर लिया है, हैलाइड हैलोजन ग्रुप्स या हैलाइड ग्रुप्स, कौन से? क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ इसकी जब रिएक्शन होती है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, क्या फॉर्म होता है? फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फॉर्म होता है, ठीक है? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है? इसके रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसे होगी. अल्केन का मतलब यहाँ पर आज RH कंसिडर करते हैं हम. इसकी रिएक्शन कोई भी H2, मतलब यहाँ पर क्या हैलोजन ग्रुप है, ठीक है? इसके साथ जब रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में? अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत पड़ती है रिएक्शन होने के लिए, ठीक है? इसके प्रेजेंस में ये जब रिएक्शन होती है तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पर हम X लिख देंगे H2 की वजह, ठीक है? तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? अपने तरफ खींच लेगा इसको, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा. कार्बो का टाइम फॉर्म होता है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा. हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RX+HX. ओके, सो दिस इज अल्किल. इसको हम क्या बोलते हैं? अल्किल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है? और ये, ठीक है, इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है. तो ये आपको समझ में आए, तो इस तरह से वो हैलोजनेशन रिएक्शन होती है. यहाँ पर देखो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लोरीन. क्लोरीन की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है? ब्रोमीन से ज्यादा है, और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन, ये इसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है? तो रिएक्टिविटी इस तरह से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. क्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये लिखना है, ठीक है? ये बात क्लियर है. देन हम पढ़ेंगे ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन जो हैलोजन एलिमेंट्स है, ठीक है, हैलो एलिमेंट्स है, तो ये डार्क में रिएक्ट होता है, ठीक है? उसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वो डार्क में भी रिएक्ट हो सकता है, ठीक है? देन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जो दो एलिमेंट्स है, दिस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड लाइट, इसको लाइट की जरूरत पड़ती है. विच लाइट? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जरूरत पड़ती है. जब उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या लाइट हम प्रोवाइड करते हैं, तब ये रिएक्शन फॉलो होते हैं, हैलोजनेशन रिएक्शन. ओके, और आयोडीन के लिए ये आयोडीन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं होता है किसी के साथ. उसको हमको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, ठीक है? तब ये रिएक्ट होगा. और क्या फॉर्म करता है वो रिएक्शन? कौन सी कहलाती है उसकी? आयोडिनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है? ये बात आप समझ में ध्यान में रखो, ठीक है? बाद में हम देखेंगे के बाद में ये जो मीथेन है, ठीक है, मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी मीथेन व्हेन रिएक्टेड विथ क्लोरीन. ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट होता है, ठीक है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, ठीक है? देन इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल, ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड.
बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ, जब अल्केन रिएक्ट होता है मीथेन या कोई भी अल्केन रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, ओके इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तब क्या फॉर्म होता है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म हो जाता है, CCl4, ठीक है CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्म, ओके इज फॉर्म, ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए, इस रिएक्शन के लिए, ओके मींस क्लोरीन, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन, ठीक है क्लोरीन डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट, उसके लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये हाइड्रोजन बेंजोइल परऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है क्लोरीन मीथेन के साथ, तब इस रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ओके ये जब प्रेजेंट होता है तब लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड्स लेने से, ठीक है, क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट होता है, तो आपको बताना है बेंजोइल परऑक्साइड के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है तब ये हैलोजनेशन रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन अगर मीथेन, ठीक है, अगर मीथेन, दूसरी कंडीशन, ठीक है, अगर मीथेन व्हेन रिएक्टेड विद क्लोरीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जब ये क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, देन ओके देन रिएक्शन इज स्टॉप, क्या हो जाती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, ठीक है, क्या होती है, स्टॉप होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो ये जो ऑक्सीजन जब हम यूज करते हैं तब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं होने देता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम, तो इसके हैलोजनेशन रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो कौन सी है, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। तो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, तो हैलोजनेशन रिएक्शन में हम सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो कौन से, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन में क्या होता है, देखो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, यहाँ पर वर्ड में आपको पता चल रहा है क्लोरीन और जनरेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन मतलब क्लोरीन का ऐड हो जाना किसके साथ, अल्केन के साथ, ठीक है। तो इसमें मीथेन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होती है किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर देखो ये CH3 कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, CH3 और Cl को अगर इस तरह से लिखा तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने तरफ हाइड्रोजन को खींच लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बाद में, तो ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3Cl, ठीक है, CH3Cl प्लस यहाँ पर क्या मिलता है, HCl, ठीक है। तो लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर ही स्टॉप नहीं होती है, बाद में ये कंटिन्यूसली वो चालू रहती है, ठीक है, बाद में क्या होता है, CH3Cl, ठीक है, CH3Cl की रिएक्शन बाद में फिर से Cl2 के साथ होती है, तो इस केस में क्या होता है, ठीक है, अगेन यहाँ से HCl रिमूव हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है, जब तक ये खत्म ना हो जाए, इस रिएक्शन में जितने हमने क्लोरीन और मीथेन यूज किया है उसी के हिसाब से ये रिएक्शन कंटिन्यूसली प्रोसेस में रहती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर HCl निकल जाता है तो क्या मिलता है हमको, HCl निकल जाता है, मतलब यहाँ पर क्या बचा, CH2 और ये Cl2 बचा और ये HCl यहाँ से निकल गया, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है, ये बात क्लियर है। बाद में यहाँ पर भी रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाती, तो या ये रिएक्शन कंटिन्यूसली क्या हो जाती है, चालू रहती है, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये CH2Cl2 किसके साथ रिएक्ट होता है, Cl2 के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ से भी HCl निकल जाता है तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ पर CCl3 बचा, हाँ यहाँ पर क्या बचा, एक हाइड्रोजन बचा, तो CH
Cl3+HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर भी रिएक्शन टॉप नहीं होती ये, और रिएक्ट होता है CH3Cl, Cl2 के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। यहाँ पर भी HCl निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी HCl निकला था, ठीक है, यहाँ से भी HCl निकल जाता है और हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CCl4+HCl, ओके, दिस इज द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमको रिएक्शन मिलता है, दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्लोरीनेशन रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज द लास्ट प्रोडक्ट, ओके। तो ये तो रिएक्शन हो रही है, लेकिन इसके मैकेनिज्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म होती है, ओके। तो मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है, तो नोट डाउन करो ये। तो इसकी 3 स्टेप्स होती है क्लोरीनेशन की। तो पहली जो स्टेप्स है, 3 स्टेप कौन कौन से है, यहाँ पर पहली स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, पहली स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, इनिशिएशन। दूसरी जो स्टेप है वो कौन सी है, प्रोपेगेशन, ठीक है, दूसरी स्टेप कौन सी है, प्रोपेगेशन। और तीसरी जो स्टेप है वो कौन सी है, टर्मिनेशन। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है, क्लोरीनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तीनों भी स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ लेते हैं उसको, इनिशिएशन स्टेप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, देखो इनिशिएशन में क्या होता है, ये क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है, तो क्लोरीन को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्लोरीन को जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, दो इलेक्ट्रॉन्स एक कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर होमोलिटिक फिजन हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर होमोलिटिक फिजन, ठीक है, होमोलिटिक फिजन हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स के, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स बराबर बराबर हिस्से में बट जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे में, ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो रहा है, होमोलिटिक फिजन कहलाता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो क्लोरीन का जब ब्रेक हो जाता है, बीच में से ब्रेक हो जाते हैं, तब क्या मिलता है हमको, दो फ्री रेडिकल मिलते हैं, ठीक है, दो फ्री रेडिकल मिलते हैं, Cl, ओके, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल्स और दूसरा HCl, यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड द इनिशिएशन स्टेप, इसी स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको मिले हैं, नेक्स्ट स्टेप्स कौन सी है, प्रोपेगेशन, भाई अब तो ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि वो फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है, तो ये क्या करेगा, उस रिएक्शन में हम क्या ले रहे हैं, अल्किल, मतलब क्या ले रहे हैं, अल्केन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल है अल्केन के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, उसको जरूरत है क्योंकि वो रिएक्ट हो रहा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है उस कंडीशन में जब वो फ्री रेडिकल स्टेट में होता है, ठीक है। वो क्या करता है, ढूंढता है कोई भी ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके, या भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऐसे ढूंढते रहेगा, तो इसको कहाँ से मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स, अल्केन के, अल्केन से मिलेगा, तो अल्केन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है, अल्केन, यहाँ पर हम मीथेन ले रहे हैं, ठीक है, मीथेन, तो मीथेन का फार्मूला आपको पता है, मीथेन एच, ठीक है, ये मीथेन का फार्मूला है। तो इसकी रिएक्शन जब ClCl, ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये फ्री रेडिकल ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब होती है तब क्या फॉर्म होता है, ये
यहाँ से इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ से क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन को निकाल लेता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं अभी? ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? तो यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ऑलरेडी है इसके पास। ठीक है, तो ये क्या, ये 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है उसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब क्या होता है, ये तो HCl फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, HCl बनता है, और यहाँ पर जो है ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, CH3 फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, CH3 ये फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। अभी क्या हुआ, ये तो शायद सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप फ्री रेडिकल के फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, फिर से क्लोरीन के साथ अटैक हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से क्लोरीन के साथ अटैक हो जाता है। ठीक है, तो बाद में ये क्या करेगा, CH3 इसके साथ अटैक करेगा, ये क्लोरीन के साथ अटैक करेगा, मतलब यहाँ पर देखो CH3 ये फ्री रेडिकल है, ये Cl2 जो रिएक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो Cl क्लोरीन जो है ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट अगर है, तो वो जो फ्री रेडिकल है इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आप देखो, अगर हमने इसको इस तरह से लिखा, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ पर ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये फिर से क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगी, CH3Cl+Cl। ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो रिएक्शन है कंटिन्यूसली चालू रहती है जब तक यहाँ से इस रिएक्शन में से अल्केन या क्लोरीन ग्रुप्स जब तक खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? तो ये कब तक चलेगा, जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रोपेगेशन स्टेप है, ये प्रोपेगेशन स्टेप हम इस तरह से लिखते हैं, प्रोपेगेट करते हैं रिएक्शन को, प्रोपेगेट करते हैं, आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है, प्रोपेगेट करना मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाते रहना। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, इनिशिएट करना, रिएक्शन को इनिशिएट कर देना, बाद में प्रोपेगेशन, और ठीक है इस तरह से। तो ये कब तक चलती रहेगी प्रोपेगेशन स्टेप, जब तक यहाँ पर इस रिएक्शन में जो कुछ भी हमने सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, यहाँ पर मीथेन लिया है और क्लोरीन लिया है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? बाद में इसकी थर्ड जो स्टेप्स है वो कौन सी, टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप, तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या आता है, देखो ठीक है, तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या क्या फॉर्म होता है, थर्ड जो स्टेप्स है टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप में क्या क्या फॉर्म होता है, देखो एक तो Cl, ClCl, अगर ये फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, Cl2 मिलता है, ये बात क्लियर है। ठीक है, अगर ये CH3 फ्री रेडिकल से, और इसकी रिएक्शंस अगर दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ होती है तो वो हमको क्या मिलता है, CH3 इथेन मिलता है। अगर ये CH3 फ्री रेडिकल से, ठीक है, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन ये फ्री रेडिकल के साथ होती है तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3Cl। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड Cl2 CH3 CH3 CL3 Cl। ओके, सो इन दिस वे ये जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस क्लोरीनेशन रिएक्शन में हमको एक तो Cl2 मिलता है, एक तो इथेन मिलता है, एक तो मिथिल क्लोराइड मिलता है। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है आपको, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये बात यहाँ पर आपको समझ में आती होगी कि जो पहली स्टेप्स है इनिशिएशन स्टेप में हमने ये देखा था कि ये फ्री रेडिकल्स, ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है, होमोलिटिक फ्रिक्शन होता है, और यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल्स और Cl फ्री रेडिकल्स हमको मिलते हैं। तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है जिस रिएक्शन में पहली स्टेप्स कौन सी हैं,
जिस रिएक्शन में मतलब प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्मर है यहाँ पर, फ्री रेडिकल्स फॉर्मर है, ठीक है, फ्री रेडिकल्स प्रोडक्ट साइड में फॉर्मर है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में ये फॉर्मर है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन बोलते हैं, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं, ठीक है। और जब जब यहाँ पर प्रोपेगेशन स्टेप में हमने क्या देखा था, प्रोपेगेशन स्टेप में हमने पढ़ा था कि जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, ये ठीक है CH4+Cl ये फ्री रेडिकल है, इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होती है तब हमको क्या मिलता है, CH3 फ्री रेडिकल मिलता है और HCl फॉर्म हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड में फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों साइड में फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो जब फ्री रेडिकल दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, तब वो स्टेज कौन सी होती है, प्रोपेगेशन स्टेप होती है, ठीक है, प्रोपेगेशन स्टेप होती है। तो ये बात आपको समझ में रखना है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स हमको मिलते हैं, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स हमको मिलते हैं, तो ये स्टेज कहलाती है प्रोपेगेशन स्टेज, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और थर्ड केस में देखो, थर्ड जो आपने देखा है प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, जब फ्री रेडिकल्स, ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर देखो CH3 क्या हो रहा है फॉर्मेशन स्टेज में, ये फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल Cl के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब क्या है, रिएक्टेंट साइड में जब, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में जब फ्री रेडिकल्स होता है तब हमको मिलता है, ठीक है, तब हमको क्या मिलता है, ठीक है, तब हमको इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं, टर्मिनेशन रिएक्शन, ठीक है, टर्मिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो,